हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चीफ जस्टिसेस के ऊपर। चलिए तो उसके बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने लिस्ट बनाई है अभी तक के कितने जस्टिस हुए हैं इंडिया में, उनका कार्यकाल और कितने टाइम वो ऑफिस में रहे हैं, कौन से हाई कोर्ट में रहे हैं, कौन से बार काउंसिल में बैठे हैं। अपॉइंटर हमेशा प्रेसिडेंट ही रहता है, लेकिन उनके कार्यकाल में मतलब प्रेसिडेंट के कार्यकाल में उन्होंने कौन से जस्टिसेस को अपॉइंट किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हमारे इंडिया में इनकी कोई से कार्यकाल की अवधि तो नहीं होती है। आप देखेंगे इस लिस्ट में तो किसी का कार्यकाल बहुत ज़्यादा दिनों का है, किसी का कुछ दिनों का ही है। सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह का रहा है, सिर्फ 17 दिन का रहा है। और इसी लिहाज में अगर हम बात करें कि सबसे लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है YV चंद्रचूड़, जो जस्टिस रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए। इन्होंने टर्म सर्व किया है लगभग 7 साल 4 महीने 15 दिन के आसपास बैठता है। तो सबसे लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़ जी का ही है। और अभी हाल के हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो रंजन गोगोई हैं, जिनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ है और वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में बैठते हैं और जिनको अपॉइंट किया है रामनाथ कोविंद में। तो वो अभी हाल के हमारे चीफ जस्टिस हैं और उनको मिला के हमारे इंडिया में अभी तक 46 चीफ जस्टिस हुए हैं। चलिए तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। जो हमारे पहले जस्टिस हैं वो हैं SJ कनिया, जिनको इनॉग्रल CJI बोलते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को CJI बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। इनका पीरियड ऑफ ऑफिस रहा है 26 जनवरी 2050 से 6 नवंबर 1951 तक। तो इनका लेंथ ऑफ डेज जो है वो 649 दिन का है। ये बैठते थे बॉम्बे हाई कोर्ट में और इनको अपॉइंट किया था राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद आते हैं M पतंजलि शास्त्री, इनका कार्यकाल रहा है 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक। 788 दिन इन्होंने ऑफिस में रहे हैं और ये बैठते थे मद्रास हाई कोर्ट में। राजेंद्र प्रसाद तब के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था। फिर उसके बाद आते हैं मेहर चंद महाजन, कार्यकाल रहा है 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक, 352 दिन का। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बैठते थे, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपॉइंट किया था। फिर आते हैं बिजन कुमार मुखर्जिया, 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956, 404 दिन का लेंथ ऑफ टर्म रहा है। कलकत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट में बैठते थे। इनका प्रेसिडेंट उस टाइम के तत्कालिक सॉरी राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपॉइंट किया था। फिर सुधीर रंजन दास का कार्यकाल रहा है 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक, 1337 दिन का। कलकत्ता हाई कोर्ट में बैठते थे, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है अपॉइंट। फिर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964, 1583 दिन, पटना हाई कोर्ट, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आते हैं PM गजेंद्र गदगर, इनका कार्यकाल रहा है 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक, 773 दिन का। बॉम्बे हाई कोर्ट में बैठते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था। फिर आते हैं अमल कुमार सरकार, 16 मार्च 1966, 29 जून 1966 तक, 105 दिन, कलकत्ता हाई कोर्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोका सुब्बा राव, 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967, 285 दिन, मद्रास हाई कोर्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। कैलाश नाथ वांगचू, 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968, 318 दिन, अलाहाबाद हाई कोर्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970, 1025 दिनों तक बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे हैं। जाकिर हुसैन उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया। तीन चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है वारागिरी वेंकट गिरी ने, उनमें से हैं जयंती लाल छोटा लाल शाह, सर मित्र सिकरी, AN रे, जिनका कार्यकाल आप देख सकते हैं। ये लोग बॉम्बे हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और AN रे ये कलकत्ता हाई कोर्ट, इन सब का अपॉइंट किया है वारागिरी वेंकट गिरी ने। मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, इनका कार्यकाल रहा है 379 दिन का, अलाहाबाद हाई कोर्ट में। फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था।
फिर जिसकी मैं पहले देखी बात कर रहा था, वाई वी चंद्रचूड़, जिनका अब तक का सबसे ज़्यादा लेंथ ऑफ टर्म रहा है 2696, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए इनको अपॉइंट किया था नीलम संजीवा संजीवा रेड्डी ने। चलिए इसके बाद आते हैं पी एन भगवती और रघुनंदन स्वरूप पाठक, जिनको अपॉइंट किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। इनका लेंथ ऑफ टर्म 526 और 940 दिन का रहा है और ये गुजरात और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं। आगे देखते हैं, अब देखिए रामास्वामी वेंकट रमन ने 5 चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, जिनमें से एंगला गुप्ते, सीतारमैया, वेंकट रमैया। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 181 दिन का कार्यकाल। सब्यसाची मुखर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट 281 दिन का कार्यकाल। रंगनाथ मिश्रा, उड़ीसा हाई कोर्ट 424 दिन का कार्यकाल। कमल नारायण सिंह, जिसका मैंने जिक्र भी किया था स्टार्टिंग में, इनका कार्यकाल सिर्फ महज 17 दिन का रहा है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठते थे। सबसे शॉर्टेस्ट कार्यकाल रहा है इनका। और उसके अलावा इन्होंने एक चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट और किया था, इनका नाम है मधुकर हीरालाल कनिया, जिनका लेंथ ऑफ टर्म रहा है 340, ये बैठते थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो ये पांचों रामस्वामी वेंकट रमन ने अपॉइंट किए थे। उसके बाद आते हैं ललित मोहन शर्मा और एम एन वेंकट चलैया, जिनको अपॉइंट किया था शंकर दयाल शर्मा ने, पटना हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए, जिनका कार्यकाल रहा है 85 दिन और 619 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकर दयाल शर्मा ने और दो लोगों को अपॉइंट किया था, अजीज़ मुशाबिर अहमदी और जे एस वर्मा। तो कुल मिला के शंकर दयाल शर्मा ने 4 चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है और इनका कार्यकाल रहा है 881 और 298 दिन, गुजरात और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बैठते थे ये लोग रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बात करते हैं कोचेरिल रमन नारायणन, इन्होंने 4 चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, मदन मोहन पुंची, आदर्श सेन आनंद, सैम पिरोज भरूचा और भूपेंद्र नाथ कृपाल, जिनका कार्यकाल रहा है रिस्पेक्टिवली 264, 1117, 185 और 185। और ये लोग बैठते थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये 4 जस्टिस को अपॉइंट किया था कोचरिल रमन नारायणन ने। चलिए अब बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम जी की, इन्होंने अपॉइंट किया था गोपाल वल्लभ पटनायक को, जिनका कार्यकाल रहा 40 दिन का, उड़ीसा हाई कोर्ट में बैठे थे। चलिए आगे देखते हैं, और हैं VN खरे, 499 दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट, S राजेंद्र बाबू 29 दिन, महज 29 दिन कर्नाटक हाई कोर्ट, रमेश चंद लाहोटी 517 दिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, योगेश कुमार सभरवाल दिल्ली हाई कोर्ट 438 दिन। और एक और हैं KG बालाकृष्णन, 1214 दिन केरला हाई कोर्ट के लिए। प्रतिभा पाटिल ने अपॉइंट किया है SH कपाड़िया को 870 दिन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट। चलिए प्रणब मुखर्जी के देखते हैं, अल्तमास कबीर, लेंथ ऑफ टर्म 292 कलकत्ता हाई कोर्ट, पी सदाशिवम 281 मद्रास हाई कोर्ट, राजेंद्र लाल मोधा 153 दिन राजस्थान हाई कोर्ट और HL दत्तू 430 कर्नाटक हाई कोर्ट। 4 ये हैं और 2 यहाँ हैं, TS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर 397 दिन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और 235 दिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली, ये प्रणब मुखर्जी के हो गए। तो देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने, तीनों राष्ट्रपति ने 6-6 चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है। चलिए बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी की, तो इन्होंने दीपक मिश्रा और रंजन गोगोई जो अभी ऑफिस में हैं उनको अपॉइंट किया है। दीपक मिश्रा का 400 दिन का कार्यकाल रहा है उड़ीसा हाई कोर्ट के लिए और रंजन गोगोई का 3 अक्टूबर 2018 को पीरियड ऑफ ऑफिस स्टार्ट हुआ है, अपॉइंट किया गया है 3 अक्टूबर 2018 को और अभी तक इनकम्बेंट इनकम्बेंट हैं, अभी ऑफिस में हैं मतलब, और इनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक रहेगा, तो 195 दिन का कार्यकाल रहेगा अगर कोई इस कार्यकाल में चेंज नहीं हुआ तो, ये सेम ही रहेगा। और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए हैं, तो रामनाथ कोविंद के अभी 2 ही हैं। आगे देखते हैं, अभी तक के लिए इतना ही, इतने ही चीफ जस्टिस अभी इंडिया में
अपॉइंट हुए हैं अब तक। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये उसका एड्रेस है, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल की नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें, क्योंकि हमारे जो भी नए वीडियोस आने वाले हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।